हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश प्रीतम और आज के इस वीडियो में मैं आपको पाथफाइंडर कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो मेरे सामने जो डिज़ाइन है उसके अंदर भी मैंने पाथफाइंडर का यूज़ करके ये शेप्स बनाए हैं। तो आपको अभी दिखाता हूँ पाथफाइंडर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये डिज़ाइन मैं साइड में रख देता हूँ छुट्टी करके। आपको पहले मैं बेसिक शेप से बताता हूँ कि पाथफाइंडर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आप ले एक रेक्टेंगल लेते हैं, तो ये वाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से ब्लैक कर दिया, इसका स्ट्रोक बंद कर देते हैं यहाँ से। तो अभी और एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसका ही कॉपी बनाते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से कलर चेंज हो गया। तो अभी पाथ फाइंडर का कैसे यूज़ करते हो बताता हूँ। तो बेसिकली पाथ फाइंडर मैंने यहाँ पर रखा है पाथ फाइंडर। अगर इन केस आपके इस टूल बार में अगर आपको पाथ फाइंडर नहीं मिलता है तो घबराइएगा मत, यहाँ पर विंडो में जाना है और यहाँ पर आपको सब टूल मिल जाएंगे, सारे टूल यहाँ होते हैं। यहाँ पर है पाथ फाइंडर, तो आप देख सकते हैं पाथ फाइंडर खुल गया है और पाथ फाइंडर का शॉर्ट की है आप देख सकते हो शिफ्ट कंट्रोल F9, उससे भी आप पाथ फाइंडर ला सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पाथ फाइंडर है ऑलरेडी। तो पाथ फाइंडर में आपको ये पहले चार ऑप्शन मिलेंगे, इसे कहते हैं यूनाइट, इसे कहते हैं मोनिस फ्रंट, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट और ये एक्सक्लूड। तो आप सबसे पहले मैं आपको यूनाइट के बारे में बताऊंगा, यूनाइट कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप ये दो रेक्टेंगल है, ये आप एक दूसरे को इसे ज्वाइन करके रखते हैं। अगर आपको ये दोनों एक ही शेप चाहिए रहेगा, ये दोनों का दोनों दो जो शेप है उसका एक शेप में कन्वर्ट करने यूनाइट यूनाइट टूल का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं ये दोनों को सिलेक्ट किया और ये यूनाइट पे आप क्लिक करोगे तो ये एक ही शेप बन जाएगा, आप देख सकते हो ये हो गया यूनाइट टूल का यूज़, ये एक ही शेप बन गया है। और मैं आपको और एक आगे का बताता हूँ इंटरसेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। ये एक रेक्टेंगल लिया, इसका ही कॉपी कर दिया, इसको कलर चेंज किया, देख सकते हो दो शेप है। अभी आपको मोनिस फ्रंट का कैसे यूज़ करते हो बताता हूँ। अब बेसिकली इसका यूज़ ऐसे है कि जो फ्रंट का शेप है वो फ्रंट के शेप से आप जो पीछे वाला शेप है उसको कट कर सकते हो। तो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे कट कर सकते हो। ये फ्रंट में आपने ये रेक्टेंगल रखा और ये बैक वाला रेक्टेंगल है, तो इसे दोनों को सिलेक्ट करना है और ये वाले शेप ये वाले टूल पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ही वो फ्रंट वाला शेप गायब हो गया और इसे कट कर दिया है। तो ऐसे ये मिनस फ्रंट टूल का यूज़ करते हैं। इसे मैं बहुत मेरे डिज़ाइन में यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हो इसमें भी मैंने यूज़ किया ये डिज़ाइन में, आपको बताऊँगा बाद में कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो ये फिर से एक बार बताता हूँ, ये दोनों सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर ये शेप मिलेगा। अगर आपको यहाँ से भी इसे कट करना है तो और एक ले लीजिए रेक्टेंगल और यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अभी इसे मैं मुझे यहाँ से इसे कट करना है तो ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर कट हो गया है। तो इसी तरह से मैं आपको ये अभी आगे का इंटरसेक टूल कैसे यूज़ करते हो बताता हूँ। और एक रेक्टेंगल ले, अभी आप इलिप्स ले लेंगे, इलिप्स लिया छोटा कर देते हैं, ये इलिप्स है इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से येलो, ये इलिप्स है। अभी इसका ही कॉपी एक बना देते हैं। इंटरसेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये दो सर्कल है आपके सामने, अभी आपको ये दोनों ज्वाइन करना है और सिर्फ ये बीच वाला आपको शेप चाहिए। आप देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो एक बीच में शेप आ रहा है, तो ये शेप चाहिए आपको बीच वाला, तो इसे दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये जो बीच में जो शेप था वही आपको मिलेगा सिर्फ। तो ऐसे ही इंटरसेक्ट का यूज़ है। अभी आपको यहाँ पर का सिर्फ ये इतना सा शेप चाहिए नॉर्मल,
तो आप ये दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको इंटरसेक्ट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो नॉर्मली सिर्फ यही शेप मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत से शेप आपको ये पाथफाइंडर से बना सकते हैं, और आगे मैं बताऊंगा ये एक्सक्लूड कैसे करते हैं। अभी हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, फिर से यहाँ पर एक स्क्वायर ले लिया, सॉरी इसे कॉपी किया, इसका कलर चेंज करते हैं। तो ये कलर चेंज हो गया, ये दोनों को ज्वाइन किया, और ये दोनों को सिलेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये टूल काम नहीं करेगा। दोनों को सिलेक्ट किया और मुझे इस पर क्लिक किया तो ये बीच का पार्ट गायब हो गया है। तो देख सकते हो मुझे अगर ऐसे ही कोई डिज़ाइन बनाना हो सिर्फ बीच का बाजू का पार्ट रहना चाहिए, और ये जो दोनों जो इधर इंटरसेक्ट करते हैं वो पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो ये बीच का पार्ट गायब हो गया है। मैं इसको आपको स्क्वायर में सर्कल में बताता हूँ। ये सर्कल लिया और यहाँ पर सर्कल को कॉपी किया, ऑल्ट ऑल्ट पकड़ के दोनों को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया एक्सक्लूड पर, तो देख सकते हो आप बीच का जो पोर्शन है वो गायब हो गया है। तो ऐसे ही शेप मोड में पाथफाइंडर को यूज़ करते हैं। आप शेप्स का बहुत सा यूज़ कर सकते हो पाथफाइंडर से, जो मैंने ये बैज में किया है। आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनाया हूँ मैंने। पहले एक इलिप्स लिया, उसको शिफ्ट पकड़ के क्लिक करना है तो आपको प्रॉपर सर्कल मिलेगा, तो मुझे ये हाफ सर्कल चाहिए, इसीलिए मैंने इस सर्कल को लिया। उसके बाद में यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल लिया और इसको बीच में से इंटरसेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये मेरे ये बहुत बीच में है, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, सॉरी। अब दोनों को सिलेक्ट करना है और मैंने मिनस फ्रंट को यूज़ किया है। दोनों को सिलेक्ट करके आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो हाफ सर्कल हो गया है। तो इसे अभी मुझे ये इसका शैडो बनाना है, तो अब ये कैसे क्रिएट करते हैं। इसका मैं एक कॉपी ले लूँगा यहाँ पर, इसका कॉपी करके मैं इसके बाजू में रख दूँगा, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो पार्ट है ये शैडो का, आप देख सकते हो शैडो जैसे बन गया है। तो इसे मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा और वह फिर से ये वाला टूल लूँगा, क्लिक करूँगा तो आपको ये शेडो मिलेगा। इसका कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देंगे और इसे थोड़ा छोटा करना है, आप देख सकते हो यहाँ पर शेडो बन गया है। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो बनाते हैं, तो बेसिकली वो फिर एक सर्कल ले लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ डॉपर से कलर ले रहा हूँ, एक कलर चेंज हो गया है। इसको बीच में रखना है और इसे ही कॉपी करना है, ऑल्ट पकड़ के ड्रैग करना है तो आपको ये मिलेगा ऐसा, और इसे थोड़ा सा छोटा करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से ये दोनों को सिलेक्ट करना है और ये माइनस फ्रंट पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट भी बन गया है। तो इसी तरह से हम लोग पाथफाइंडर का अलग अलग इस्तेमाल करके अलग अलग शेप बना सकते हैं। और ये वाला जो शेप है ये मैंने लाइन टूल लिए, लाइन टूल, और इसे यहाँ से अगर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन चाहिए तो क्लिक करके शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करना है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसे हम लोग यहाँ से स्ट्रोक ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन आ गई है। इसका विड्थ बढ़ा देते हैं, मैं 2 रखूँगा और यही लाइन को कॉपी करना है और नीचे लाना है। अभी ये वाला जो शेप है इसे मैं 1 कर दूँगा ऊपर वाली लाइन को, हाँ। अभी जो ये वाला शेप है वो यहाँ पर आपको मिलेगा शेप्स में, राउंडेड रेक्टेंगल टूल ये लेते हैं और ये दोनों के बीच में ड्रॉ कर देते हैं और इसको फिल कर देना है, शिफ्ट एक्स इसका शॉर्ट की है फिल का, और ये तीनों सिलेक्ट करना है। अभी मुझे तीनों एक साथ चाहिए तो ये तीनों सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा
देख सकते हो ये ग्रुप हो गया है और ये आपका जो शेप है वो रेडी है। तो इसी तरह से आप पाथफाइंडर का यूज़ करके ये बहुत सारे शेप्स तैयार कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।